ладно, где свои смерти? आगे छोड़ दस मैं पहुंच गए आ जा करने की फसल है कैसी है हमारे यहाँ पाउटा वैली के अंदर जो एक नकदी फसल के रूप में गन्ना होता है, गन्ने को यहाँ स्थानीय चरखियों के माध्यम से पीस के उसको उसका रस निकाल के उसका गुड़ बनाया जाता है। और हमारे यहाँ पाउटा के गन्ने की एक विशेषता है कि यहाँ का गुड़ बहुत मशहूर गुड़ है। यहाँ तक हमारे कनाडा अमेरिका के जो लोग हमारे वहाँ बसते हैं, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान के नरई भाई हैं, वो उनको उनके अंदर ज़बरदस्त इसकी डिमांड है। और ये इसके अलावा देश के अंदर भी हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली तक हो, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में हमारे यहाँ गुड़ की वो विशेष तौर से लोग मंगाते हैं। इसके अंदर स्पेशल किस्म का रेशा होता है और उस रेशे के कारण इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया रहता है। और पूरे साल तक ये जो गुड़ है हमारा यहाँ का, ये गन्ने का स्पेशल किस्म का है, वो सारा साल बिल्कुल सूखा रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ का जो गन्ना है वो है। पर साथ में हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि सरकार किसी तरीके की भी मदद नहीं कर रही है जिससे कि ये गुड़ जो है इसको प्रमोट किया जा सके, इसको हम एक इंडस्ट्री के रूप में पूरे देश में चला सकें। जहाँ सरकार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ ला रही है, तो हम ये चाह रहे हैं कि गन्ने के आधार पर भी एक गुड़ बनाने का स्पेशल कोई विशेष प्रशिक्षण यहाँ दिलवाए, नौजवानों को इसके साथ गन्ने के उद्योग के साथ जोड़े और जोड़ के और उस स्पेशल अपना सरकार की तरफ से इन्वेस्ट करे इसके अंदर और इस इंडस्ट्री को, गुड़ की इंडस्ट्री को बहुत बेहतरी मिल सके। जी ये पहले गन्ना खेत में पैदा होता है, उसके बाद यहाँ पर चरखी में लाते हैं और उसको चरखी में पीड़ा जाता है, उसका रस निकलता है, जो वह ये चार कढ़ाव वाली भट्टी है उसमें लाते हैं। पहले में आता है, गर्म होता है, उसके बाद दूसरे कढ़ाई में इसकी सफाई होती है, तीसरे में पकाया जाता है और चौथे में पककर तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ चाक पर निकालते हैं और उसको गुड़ तैयार हो जाता है ठंडा कर कर। और इसके हरियाणा में जाता है, आसपास के जो राज्य है इधर लगभग सारे हिमाचल में जाता है। उधर रेट आपको ठीक मिल रहा है इसका? रेट हाँ ठीक ठाक मिल जाता है। रेट मार्केट में डिमांड कैसी है? मार्केट में थोड़ी बढ़िया है जी, बस मंडी ना होने की वजह से थोड़ा छोड़ते जाती है। बस गिरता भी नहीं है। यहाँ मार दिए मेरा एक मैं एक मार दी मैंने आठ मार दिए गुड़ लेने आया हूँ। यहाँ का गुड़ काफ़ी टेस्टी है, बाजार के कंपैरिजन में ये गुड़ जो है वो अच्छा लगता है खाने में भी और सस्ता भी है, तो यहीं से प्रेफर करते हैं हम लोग।